नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मैं आया हुआ हूँ अपने घर पे, क्योंकि इतने दिन तो मैं कॉलेज था और अभी घर पे आ गया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं हमारे गांव की एक हेरिटेज साइट धोध का किला देखने के लिए। धोध का किला बहुत ही बड़ा और विशाल है। इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण और रखरखाव नहीं होने के कारण आज ये अपनी विरासत को खोता जा रहा है। तो आज इसी किले को आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे गांव का ही किला है। कि बहुत से लोगों ने मेरे को कहा कि अपने गांव में कुछ है, कुछ अच्छी जगह है, वो दिखाइए। तो आज धोध के किले के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत ही शानदार किला है। तो इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा और पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। ये किले का पीछे की तरफ का गेट है, और ये देखिए, ये सामने जो आपको झरोके दिख रहे हैं, ये यहाँ का शीश महल है। इसके अंदर भी हम जाएंगे और आपको ऊपर से भी पूरा व्यू दिखाएंगे धोध का। तो बहुत ही शानदार किला है, और यह इस किले का मेन प्रवेश द्वार है। तो देखिए कितना विशाल लोहे का गेट बनाया गया है यहाँ पे। और ये इतने साल इस किले को बने हुए हैं, लगभग 700 साल के लगभग हो गए, लेकिन अभी भी इतनी मजबूती से ये गेट खड़ा है। अंदर प्रवेश करते ही ये एक साइड में तो इधर माता जी का कोई मंदिर है, और दूसरी तरफ ये दोनों तरफ छोटे छोटे परिसर बने गए हैं। और अंदर की तरफ जाने पे हमको दिखाई देता है कि ये एक तो सामने कोई बरामदा बनाया गया है, जो लगता है कि जैसे कोई आगंतुकों के लिए बैठने के लिए कुछ स्थान हो। और ये देखिए, किले के अंदर सफाई सफुई इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी वैसे मेंटेनेंस में नहीं है किला। साथ दो चार दोस्त वगैरह भी आए हैं, और ये रविंद्र है, कुलदीप है, श्रीचंद है, और ये शेर सिंह है, और ये मेरे जीजाजी है। तो आज इनको दिखाने के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत ही बढ़िया हेरिटेज साइट है। तो अभी प्रवेश करते हैं किले के अंदर। तो ये है पूरा, ये मेन चौबारा है यहाँ पे, और अंदर की तरफ जाने के लिए आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। तो यही एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और अभी ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे एक शीश महल भी बनाया गया है, और ऊपर आपको थोड़ा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी कम है, क्योंकि उस टाइम इनको दरवाजे थोड़े छोटे बनाए जाते थे, और इसी के कारण। और ये छोटे छोटे गलियारे बनाए गए हैं यहाँ पे, और ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। और ये पीछे का व्यू है जो मैं आपको ऊपर से अच्छे से दिखा दूंगा। ये है दूसरे फ्लोर पे बना हुआ शीश महल। यहाँ पे मेरे को शीशे की कारीगरी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया है और यहाँ पे ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, और कुछ मेंटेनेंस नहीं है, इस वजह से इसको अच्छी तरीके से नहीं रख रखाव में रखा गया है। लेकिन बहुत ही शानदार कलाकृति बनाई गई है, और यहाँ पे नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया गया है। जस्ट बीच में यहाँ पे देखो चौसर भी बनाया गया है। तो यहाँ पे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई राजा महाराजा पहले के ज़माने में यहाँ पे चौसर खेला करते थे। अभी इस धोध किले का इतिहास, जैसा कि मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, तो एक मेरे साथ का फ्रेंड है, उससे पूछते हैं कि धोध किले का क्या इतिहास है। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले कौन से राजा थे जिन ये धोध का किला सीकर जागीर के अंदर आता था। सीकर जागीर के राजा राव राजा लक्ष्मण सिंह थे। अच्छा। राव राजा लक्ष्मण सिंह के साथ पत्नियाँ थी, तो एक पत्नी के पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जब राव राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हुई तब 5 वर्ष का था। इसी कारण राव राजा लक्ष्मण सिंह की पासवान पत्नी किशोरी देवी के 3 पुत्र हुए, उन्होंने इन धोध कस्बे की इन जागीरों पर अधिकार कर लिया, सिंह रावट, धोध और नेछवा। अच्छा, यानी तीन तीन जो जागीरें हैं वो इनको दी गई थी ना? दी नहीं गई थी, ये वो उनका जो राव राजा लक्ष्मण सिंह का पुत्र वो 5 वर्ष का था, उन्होंने हड़प लिया एक ऐसा मानवा। अच्छा अच्छा, यानी नेछवा और सिंगरावट और धोध, ये 3 जागीरें थी। तो यहाँ पे फिर राजा किसको बनाया गया? राव राजा मुकद सिंह ने यहाँ की राजगद्दी संभाली। अच्छा, फिर यहाँ जब प्रताप सिंह जी बाल्यावस्था में थे और किशोरावस्था में आए ना, तब प्रताप सिंह जी का एक प्रधानमंत्री था। अच्छा। मांझी राठौड़। अच्छा, मांझी राठौड़। हाँ, मांझी राठौड़ ने इन तीनों पासवान पुत्रों को सिंगरावट और नेछवा के 50 गांव दे दिए, और इनको अपने प्रशासन में वापस मिला दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, दो जागीर। तो ये है धोध किले का इतिहास।
तो इसके बारे में अभी और भी जानेंगे। और यहाँ पे दूंग जी जवाहर जी है जो यहाँ के सीकर के ही थे, उनका क्या योगदान रहा है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। शीश महल को घूमने के बाद अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे देख कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई है, और ये ऊपर की तरफ जाने के लिए एकमात्र रास्ता ही है। और यहाँ से जाएंगे अब ऊपर, और ऊपर से आपको अच्छा व्यू दिखाएंगे क्योंकि ये किला ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं है। यहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी भी काट सकते हैं। ये धोध के किले से पूरे धोध का व्यू तो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। धोध और इधर की तरफ ये देखने पे लग रहा है कि यहाँ पे शायद पानी की व्यवस्था थी क्योंकि ये गढ़ों के लिए बनाया गया है शायद। और ये किले का दूसरा तरफ का किनारा है, और यहाँ पे शायद एक नीचे माता जी का मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी चलते हैं यहाँ पे दूसरे सिरे की तरफ और वहाँ पर आपको बताएँगे सब कुछ। और अभी चलते हैं किले की दूसरी तरफ, और ये शायद पानी के लिए देखो परिंदा बनाया गया है। और कितनी दुर्दशा हो रखी है इस किले की, ये बाहर की तरफ निकलने के लिए एक छोटा सा खिड़की बनाई गई है और इसी से झुक के बाहर निकलना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। और मेरे को लग रहा है इन राजाओं की हाइट थोड़ी छोटी छोटी होती होगी जिसके कारण इनकी जो है गलियारे और इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा छोटी बनाई गई है। और ये है किले के सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह, और सबसे ऊंचाई वाला स्थान यही है। और यहाँ से आपको पीछे का, आगे का और किले का पूरा दृश्य यहीं से दिख जाएगा। तो यहाँ पे दो चार भाई मिले हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं, और अभी इनके साथ चलते हैं। ये पता नहीं क्या कोई तहखाना दिखा रहे हैं या क्या कुछ दिखा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पे टूटा हुआ है। और ये देखिए मेरे को कुछ हवादार कोई हवा महल सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ बैठक का होगा। और चारों तरफ झरोखे हैं और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इसको। अभी आ गए हैं गुफा से बाहर की तरफ, और ये यहाँ पे छोटी सी एक खिड़की है और उस खिड़की से हमको बाहर को जाना पड़ रहा है। ये आ गए नीचे। तो ये यहाँ पे है जगदम्बा माता का मंदिर जो पहले था, अभी तो शायद मूर्ति वगैरह नहीं है। और ये देखिए यहाँ से मूर्ति को तो निकाल लिया गया है, सोने की थी, सोने की मूर्ति थी ये भाई बता रहा है। और इधर पूरे सोने दबे हुए थे जो लोग ले गए। ये यहाँ पे घुड़साल है जहाँ पे ये बाहर की तरफ ही है, आपको किले के बाहर की तरफ दिखाई देगी। और यहाँ पे शायद घोड़ों को बांधा जाता था उस टाइम के लिए। तो अभी चलते हैं सुरंग के रास्ते क्योंकि यहाँ पे सुरंग है, उसके अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन हम आपको दिखा दें कि सुरंग यहाँ पे थी जो गढ़ किले से बाहर निकलने के लिए, और वहीं पे चलते हैं। और ये देखिए आप, ये घुड़साल है जहाँ पे ये उनके घोड़ों के चारे के लिए शायद बनाए गए हैं, और यहीं पे घोड़ों को बांधा जाता था तो उसी के लिए है। ये है यहाँ पे सुरंग थी, ये पहले तो बहुत लंबी थी लेकिन अभी इस सुरंग को बंद कर दिया गया आगे से। और ये यहाँ पे ये भाई लोग बता रहे हैं कि आगे की तरफ एक कुआं था और वहीं पे जाके ये सुरंग निकलती थी। किले से उत्तर की तरफ स्थित है ये छतरियाँ, ये देखिए आप। और इन छतरियों का इतिहास मेरे को तो पूरा मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ वाला लड़का है इसको पूरा इतिहास मालूम है, तो इसी से पूछते हैं। ये राजा की समाधि स्थल है, और इनमें जो मंदिर बना है उनको स्थानीय भाषा में लोग भोमिया जी कहते हैं और इनकी पूजा करते हैं। अच्छा, ये तो कौन से राजा का छत्रिया थी? ये राजा मुकंद सिंह की छत्रिया। अच्छा, यानी यहाँ के जो राजा थे मुकंद सिंह जी, उन्हीं की छत्रिया है ये यहाँ पे। और ये किले से आपको उत्तर की साइड ये दिखाई देगी यहाँ पे। और ये देखिए आप, पूरा किला आपको पीछे की तरफ ये सामने दिख रहा है, किसी गोली दागने के लिए ये बनाए गए हैं। और ये दीवार के अंदर ही इस हिसाब से बनाए गए हैं कि अंदर की तरफ जो सैनिक है उसको कुछ नुकसान ना हो, और ये देखिए बाहर की तरफ ऐसे अगर कोई आक्रमण हो तो उसके लिए ये बनाए गए हैं। हाँ, नीरल होते थे रंग बिरंगे, आज वो नहीं है, क्या करें।